इस वर्ष शारदीय नवरात्रि के पहले साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा था, वो दशहरे के बाद साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। दरअसल यह आखिरी चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन लगने वाला है। इस तरह से अक्टूबर के महीने में त्योहारों के साथ ही ग्रहण के नजरिए से बहुत ही खास है। साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में भी नजर आएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, हिंद महासागर, अंटार्कटिक, दक्षिणी प्रशांत महासागर के अलावा अंटार्कटिका में भी चंद्र ग्रहण दिखेगा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगने वाला है, इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा करना बेहद जरूरी होता है। अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आप सूतक से पहले पूजा कर लें या फिर ग्रहण खत्म होने के बाद पूजा करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा की जाती है, जिससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन इस साल चंद्र ग्रहण के कारण माता लक्ष्मी की कृपा पाने सूतक से पहले या ग्रहण खत्म होने के बाद पूजा कर सकते हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज शुक्ला चंद्र ग्रहण को लेकर आइए, क्या कुछ कहते हैं सुनवाते हैं। चंद्र ग्रहण का प्रभाव इस बार शरद पूर्णिमा के दिन अंग्रेजी तारीख के अनुसार यह पड़ रहा है 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि में यह चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जिसमें इसका सूतक रहेगा शाम को 4:05 में चंद्र ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा और मध्य रात्रि में रात को 1 बजे ग्रहण का स्पर्श होगा, जिसका मोक्ष जो है 2:23 में रात को लगेगा।